आना चाहता था और रास्ते ही में आकर वहाँ कहना था, अगर खराब बीच में जो खराब मौसम है इसके कारण मैं आ नहीं पाया, मेरा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ। दीपक जो सारी अफवाहें फैला रहे हैं इससे गोरखा भाई बहन दूर रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखाओं का हित हमेशा सर्वोच्च रहा है। मैं मानता हूं कि इस देश के लिए गोरखाओं ने जितना बलिदान दिया है शायद ही किसी और ने दिया होगा, और मैं ये बात अपने गोरखा परिवारों से कहना चाहता हूं कि आपके न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमें सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले, भारत का संविधान ही आपको न्याय देगा। हम क्षेत्र के सारी समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध है और 11 छुटी हुई गोरखा उप जनजातियों को ट्राइबल में समाविष्ट करने की आपकी जो मांग है वो भी अभी कंसिडरेशन में है, इस पर विचार चल रहा है। मोदी जी ने दार्जिलिंग के टूरिज्म के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई है, पहाड़ के विकास के लिए और चाय बागान के श्रमिकों के लिए भी हमने ढेर सारी योजनाएं बनाई। हम श्रम कानून भी लेकर आए, अगर तृणमूल कांग्रेस उसको जमीन पर नहीं उतरने दे रहे। भाई और बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों ने पहाड़ को रक्त रणदीप किया था। आप हमारे साथ रहिए, हमारे गोरखा युवा राजू बीच को जिताइए, पहाड़ पर शांति लाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आप सबके हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप 26 तारीख को राजू बीच के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, राजू भाई को दूसरी बार सांसद बनाए, यही मेरी आप सभी से विनती है। धन्यवाद।